अच्छा अब इसमें देखिए, अब मैं इन सब चीजों को एक्सप्लोर करता हूँ, हर एक चीज को कैसे कैसे पर क्या ट्रिकी पार्ट्स रहे हैं इसके अंदर और कैसे ये डिजाइन हुआ। ठीक है जी, सबसे पहले देखने वाली चीज है कि ये अपना डेटा है, नॉर्मल डेटा तो आप लोग समझ ही गए होंगे। रीजन है, प्रोडक्ट है, कस्टमर टाइप है और सेल्स पर्सन है। चार तरह की हमारे पास कैटेगरी रही है, बाकी सेल्स है। ठीक है जी, चार तरह की हमारे पास ये फिल्टर लिस्ट, अगर कहना चाहें कि फिल्टर हम चार चीजों पे लगा सकते हैं। एक रीजन पे लगा सकते हैं, एक प्रोडक्ट के ऊपर लगा सकते हैं, कस्टमर टाइप के ऊपर लगा सकते हैं, सेल्स, बाकी लॉजिकल कैलकुलेशन इसके ऊपर चलेगी। हाँ, इसमें ये कर सकते हैं कि इनकी रेंज को बाधित किया जा सकता है, कितने से कितने तक की आपको सेल्स चाहिए। ठीक है जी, तो इसमें डैशबोर्ड में बेसिकली हो क्या रहा है, ये दिखा रहा है सेल्स बट कंट्रोल्ड है यहाँ से। स्टार्ट मंथ और एंड मंथ, इसमें से स्टार्टिंग मंथ चूज करेंगे और एंड मंथ में जहां तक की आपको सेल्स चाहिए वहां तक, जैसे जुलाई 8 तक चाहिए तो जुलाई 8 तक ही ये खाली दिखाएगा सेल्स। ठीक है, और तो ये चीज है। दूसरा जो मैंने दिखाया था प्रोडक्ट के, ये चार जो उसमें यूनिक नेम चल रहे थे वो मैंने इसमें लगा दिया। अगर इससे ज्यादा होते तो इसकी जगह मैं क्या कॉम्बो बॉक्स यूज करता। ठीक है जी, मतलब ये यूज करता, जैसे इसमें ज्यादा एंट्रीज हैं तो ये यूज करता मैं। कम थी तो मैंने सोचा रेडियो बटन के ऊपर ही दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सब में रेडियो बटन है। अब इसमें डेटा में जो हमारे हैं रीजन जो है चार तरह के हैं। अब रीजन को मैंने यूज किया है इसके अंदर, नहीं ये तो एम्प्लॉयज के लिए। रीजन रीजन अपने पास है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये मैंने चार रीजन दे रखे हैं इसके अंदर। और ऑल का मतलब है कि सारे, यानी कि नो फिल्टर। ठीक है जी, देन इसी तरह से ये भी तीन तरह के कस्टमर हैं अपने, और सबके लिए ऑल का एक एक्स्ट्रा दे रखा है। ठीक है जी, इसमें भी तीन तरह के प्रोडक्ट हैं और ऑल सबके लिए दे रखा है। ठीक है जी, अब देखिए कनेक्शन कैसे हुआ इसका। तो सबसे बड़ी बात देख लीजिए कि डेटा जो बनाने के लिए चाहिए होता है, ये चीज ये सबसे मैं कंट्रोल से नीचे जनरेट करवा रहा हूं। अगर आप डेटा शीट में सबसे नीचे देखें, सबसे नीचे चले जाएं, तो ये टेबल है जो मैं डैशबोर्ड में यूज कर रहा हूं, चार्ट में यूज कर रहा हूं। ठीक है जी, ये पूरी यहां तक है और इसमें ये वैल्यू अपने आप जैसे ही कंट्रोल पे क्लिक करता हूँ फिल्टर होके आती है। ठीक है जी, तो डायरेक्टली ये एक ही फॉर्मूला के थ्रू लाना मुश्किल था, तो इसके लिए मैंने इसको दो पार्ट में लाया है। इसको पहली चीज कि मैंने एम्प्लॉय अलग अलग कर लिए, क्योंकि देखिए एम्प्लॉय वाज सेल है, हम चार है ना, तो इन्हीं चारों की सेल है यहाँ पे, जेम्स क्रिक, और ये चार जो पिलर दिख रहे हैं इसमें चार कॉलम, ये चार कॉलम इन्हीं इंप्लॉयज के हैं, तो इंप्लॉयज का मास्टर डेटा बना है इसमें। ठीक है जी, इंप्लॉयज को मैंने यूनिक कर लिया पहले, और सेम जैसे जनवरी फरवरी ऊपर था ना वही यहां पे लेके आ गया मैं पूरा पूरा, यहां कोई मैंने फिल्ट्रेशन नहीं करवाया। ठीक है जी, पर हाँ डेटा में मैंने फिल्ट्रेशन करा दिया। कैसे कराया, अब देखिए उन सबके लिंक, रीजन वाले का यहाँ पे लिंक है। ठीक है जी, सेल लिंक जो दे रखा है मैंने, जैसे ये रीजन वाले में इसका फॉर्मेट सेल लिंक देखेंगे तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट वाले में। ठीक है जी, इसी तरह कस्टमर वाले का सर स्क्रीन बहुत स्लो है, मतलब बहुत पीछे चल रही है, अच्छा बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मतलब स्क्रीन नहीं चल रही, साफ नहीं मिले। स्क्रीन बिल्कुल स्लो चल रही है आपकी, चल रही है सर आलोक जी? आलोक जी आपकी स्क्रीन चल रही है? सर मेरी ठीक चल रही है, थोड़ी स्लो है लेकिन उतनी स्लो नहीं लग रही। आज वैसे स्लो है नहीं मेरे हिसाब से, तो नहीं है मेरे पास। अच्छा अभी सही हो गई है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो अपना रीजन, प्रोडक्ट और कस्टमर है ना, ये वाला आप डाटा देख। ठीक है जी,
इसको अभी भूल जाइए, इसमें मैंने क्या किया, चार अपने कस्टमर लगाए जितने थे उसमें, और ये जनवरी फरवरी ऊपर से कॉपी कर दिया। इसमें फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट पहले मुझे ये टेबल आपको एक्सप्लेन कर, इसमें मैंने जो सेल लिंक है उन कंट्रोल का यहाँ यहाँ दे रखा है, ठीक है जी। अब देखिए इसमें फिर मैंने इनसे रिलेटेड रीजन प्रोडक्ट और कस्टमर से रिलेटेड ये टेबल बना दिए, ठीक है जी। अब जैसा कि मैं बता रहा हूं कि सेल लिंक जो है इंडेक्स पे काम करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही दे रहा है ना, तो इसमें मैंने 1 पे ये वाली वैल्यू डाली है, रीजन पे स्टार डाला, 2 3 4 5 इस तरह से, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, वहां पे चार ही प्रोडक्ट हैं, तो तीन प्रोडक्ट हैं, तो एक में स्टार दे दिया, बाकी में तीन प्रोडक्ट दे दिया। कस्टमर में ऑल के लिए एक में स्टार दे दिया, बाकी में तीन प्रोडक्ट दे दिया। अब देखिए स्टार का कॉन्सेप्ट क्या है, स्टार का मैंने आपको याद हो कि काउंट इफ या सम इफ के फॉर्मूला के दौरान बताया था कि स्टार जब भी हम लेते हैं तो मतलब जब हमें वैल्यू नहीं पता होती तो हम वो ले लेते हैं, ठीक है जी। जैसे बिगिनिंग विद एस एंडिंग विद एस और खाली स्टार दे दे तो कंप्लीट ही काउंट की तरह ही काम करेगा, मतलब हमें इसे काउंट इफ भी बनाना था और कंप्लीट काउंट ए का भी काम करवाना था, ठीक है जी। तो उस केस में मैंने ये क्राइटेरिया स्टार ले लिया। अब मान लीजिए इसमें काउंट काउंट इफ में अगर मैं एक रेंज दे देता हूं, मान लीजिए रीजन की, ठीक है जी, ये रीजन है 144 रिकॉर्ड है टोटल, मैं इसमें सिलेक्ट कर देता हूं और यहां पे दे देता हूं स्टार, ठीक है जी, ऊपर देखे स्टार दे देता हूं, तो ये मुझे काउंट करके क्या बताएगा क्राइटेरिया, 144 रिकॉर्ड, ठीक है जी, समझ गए। और अगर इसी की जगह अगर मेरा कोई और होता, अब मान लीजिए मैं स्टार जो है स्टार तो मैं यहां से वैल्यू उठा लेता, रीजन की वैल्यू मैं यहां से उठाऊंगा, जो भी यहां से नहीं नीचे वाले से यहां, ठीक है जी। अब यहां पे लगा हुआ है यहां स्टार जो है वो यहां कैसे उठा रहा है, इंडेक्स से, ये देखिए इंडेक्स का फंक्शन लगा हुआ है इसमें, ठीक है, जिसमें इंडेक्स एरे और इंडेक्स पोजीशन कौन सी है, ऊपर वाली सेल की, ठीक है जी, मतलब अगर वहां पे एक आए तो स्टार उठाए, दो आए तो ईस्ट उठाए, तीन आए तो नॉर्थ उठाए, साउथ उठाए, वेस्ट उठाए, इस तरह से, ठीक है जी। तो जैसे यहां पे दो होता है उस टेबल में से इंडेक्स का फॉर्मूला ईस्ट करता है और यहां पे हो गया 36 रिकॉर्ड, ठीक है जी, क्योंकि इसके क्राइटेरिया में ये सप्लाई हो गया, क्राइटेरिया में ईस्ट सप्लाई हो गया। अब यहां जहां ईस्ट मिलेगा उतना ही काउंट करके बताएगा, ठीक है जी। इस कॉन्सेप्ट में कोई कमी, ओके, ये क्लियर है ना, तो सर के ऊपर ही पूरा बना हुआ है। अब मैंने यहां काउंट इफ की बजाय सम इफ लगाया हुआ है, ठीक है जी। अब जनवरी वाले में मैंने क्या दे दिया कि आप ये जो रेंज है सम रेंज जो है मेरी वो जनवरी है, ठीक है जी, जनवरी वाली पूरी सेल है, ठीक है जी। और इन सब में ये जो स्टार है ना, ये जो वैल्यू है ये मैंने क्राइटेरिया के तौर पर चूज हुई है, की हुई है कि क्राइटेरिया वन जो रीजन के लिए है वो तो रीजन की वैल्यू यहां से उठाएगा, ठीक है जी। क्राइटेरिया टू जो प्रोडक्ट के लिए है वो यहां से प्रोडक्ट का क्राइटेरिया यहां से उठाएगा, रेंज ये है। इसी तरह कस्टमर के लिए कस्टमर रेंज ये है और ये स्टार, ठीक है जी, क्लियर हुआ कुछ। देखिए मतलब yes, अगर इसमें स्टार होगा तो समय पूरा का पूरा ही रिजल्ट देगा, ठीक है जी, खाली ये इसको वो करेगा। मैंने सेल्स पर्सन भी यहाँ पे क्राइटेरिया में दे रखा कि टोटल करे इन फिल्टर्स के बेसिस पे, जहां ईस्ट आ रहा है वहां ईस्ट से फिल्टर करेगा और बाकी जगह स्टार दे रहा है, अगर यहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक है तो उससे फिल्टर कर देगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो डेटा बन रहा है ऊपर आपका, अगर मैं यहाँ पे दो करता हूं तो देखिए डेटा भी चेंज होगा यहाँ, ठीक है जी। तो सबसे बड़ी बात जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का डेटा वो आ रहा है जो कि मैं कंट्रोल से फिल्टर करा रहा हूँ, ठीक है जी। देखिए वहां कंट्रोल भी चेंज हो चुका होगा, यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे तो कंट्रोल भी अपने आप ही चेंज होते हैं, ठीक है जी। जैसे रीजन में नॉर्थ दी तो यहाँ पे रीजन वाले में 3 सप्लाई हो गया होगा,
ये थ्री सप्लाई हो गया, ठीक है जी। और यहाँ का डेटा भी उसी हिसाब से बदल जाता है। अगर 111 हो तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट डेटा इसके लिए जेम्स क्रिक के लिए दिखा रहा है कि जेम्स क्रिक की टोटल सेल कितनी है। अगर इनमें फिल्टर में और भी वैल्यूज आ जाती हैं तो इनको फिल्टर करके दिखाता है, सिंपल सी बात है। और फरवरी में मैंने सम रेंज ये ली है, इसी तरह से दो साल में मैंने यही फॉर्मूला लगाया है सम इफ का, सम इफ्स का। ये चीज समझे यहां तक? बिल्कुल ठीक है जी। इसमें काफी क्राइटेरिया रख दिया अपने सम इफ्स में। हाँ, समीप से मैंने क्राइटेरिया क्राइटेरिया लेता गया। देखिए सीबीसी चीज की कंसोलिडेट जितने फिल्टर लगाने उनको अलग से डील करना था, ठीक है जी। तो ये तीन फिल्टर लगे हुए हैं, चौथा फिल्टर इसका है, चार फिल्टर है टोटल, ठीक है जी। उनका मैंने क्या किया, एक इंडेक्स बनवा दिया कि इसमें से वैल्यू उठाएगा इसके बेस से, क्योंकि यहाँ एक दो आएगा उसे क्या पता कौन सी वैल्यू है। मैंने वैल्यू यहाँ लिख दी टेबल बना के, ठीक है जी। तो फिल्टर होके डेटा तो आ रहा है, पर एक जो काम था इसमें ये तीन फिल्टर वाला काम हो गया मेरा। चौथा था मेरा कि स्टार्ट मंथ और एंडिंग मंथ का कैसे लेगा। तो स्टार्ट मंथ और एंडिंग मंथ का कैसे लेगा, सबसे पहले उसको लिस्ट में डलवाने के लिए आपको क्या चाहिए। मैंने बताया था कि डेटा अगर आपका इस तरह से एक ही रो में पड़ा हुआ है तो नहीं लेगा, इस तरह से डेटा होना चाहिए, ठीक है जी। तो मैंने डेटा इस तरह से करवा दिया, इस तरह से डेटा करवा दिया, एबीसीडी करके जितना भी है वो इस तरह से कॉपी कर दिया। फिर मैंने क्या किया यहां पे, क्या किया, अब देखिए स्टार्ट डेट एंड डेट का भी वो करता है, इंडेक्स नंबर ही रिटर्न करता है ना हमें सेल लिंक, तो वो मैंने यहां से वैल्यू डलवाई है तो मैं यहीं से उठवा भी रहा हूँ इंडेक्स के फंक्शन से, मैं यहीं से उठवा रहा हूँ वैल्यू, ठीक है जी। तो स्टार्ट डेट में ये हो गई, एंड डेट में ये हो गई, ठीक है जी। जो वहां मैं सिलेक्ट करूंगा वो इसमें से इंडेक्स ढूंढ के मुझे निकाल दे रहा था कि स्टार्ट डेट क्या होगी एंड डेट क्या होगी, ठीक है जी। मतलब स्टार्टिंग मंथ क्या होगा एंडिंग मंथ क्या होगा। देन मैंने क्या किया हुआ है, अब देखिए डेट फॉर्मेट में है, ये जो जनवरी आपको दिख रहा है ना ये मैंने कस्टम फॉर्मेट से इसको जो है ये MMMYY करके दिखा रखा है। एक्चुअल में जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे डेट से यूज कर रहा हूँ, ठीक है जी। जैसे 1 जनवरी 08 करके दिखा रहा है तो ये भी डेट ही है एक्चुअल, ठीक है जी, नॉर्मल डेट। अब नॉर्मल डेट में मैंने क्या लगाया, फंक्शन लगाया इसके आगे कि स्टार्ट डेट जो है वो उठाएगा यहां से, ठीक है जी, यहाँ पे जो यहां से फिल्टर करके आएगा, मतलब वहां पे आप जो सिलेक्ट करेंगे इंडेक्स नंबर उसमें से वो वाली वैल्यू वो वाला मंथ उठाएगा और यहां रख देगा। तो पहली जो चीज होगी, पहला मंथ जो होगा मेरा वो यहां स्टार्टिंग से उठा लेगा, ठीक है जी। स्टार्टिंग कॉम्बो बॉक्स से ये वैल्यू आ रही है, एंडिंग वाले से ये आ रही है। अब दूसरे में मैंने क्या लगाया कि मंथ में एक एक जोड़ने के लिए, पहले हमने कैलेंडर में क्या जोड़ा था, डेट्स जोड़ी थी, इसमें मंथ जोड़ा है। तो मंथ जोड़ने के लिए आपको पता ही है अपने पास फॉर्मूला ई डेट का है, ठीक है जी। तो मैंने ई डेट का फॉर्मूला लगाया, पर लगाया कैसे, ई डेट का फॉर्मूला मैंने लगाया और मैंने उसमें 1 देते हुए कहा, ये मतलब 1 बढ़ा के मैंने कहा था कि ई डेट में अगर 0 अच्छा 1 मतलब 1 ऐड कराया, अगर ई डेट जो है लेस देन इक्वल टू इस वाले के होता है एंडिंग डेट के, ई डेट अगर लेस देन इक्वल टू एंडिंग डेट होता है तो मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला चढ़ने दूंगा, मतलब जब तक उस इससे छोटा रहेगा तब तक चलने दूंगा फॉर्मूला, अदरवाइज ब्लैंक करा दूंगा। और एक और फंक्शन लगा दिया इफ एरर, अगर इस फॉर्मूला में कोई एरर आती है तो ब्लैंक लगा दूंगा। तो इससे क्या हुआ, मेरी डेट चल गई वहां तक, एंडिंग डेट तक मैंने डेट निकलवा ली, ठीक है जी। अब यहां तक हो गया, अब इसमें सिर्फ एक काम बचता था जिसमें मैंने एच लुकअप लगा दिया, ठीक है जी। जब एच लुकअप के थ्रू मैंने क्या किया, कॉलम के बेस पे उसकी वैल्यू उठवा लिया, यहां ऑलरेडी फिल्टर्ड वैल्यू तो है ही है,
मैंने क्या किया, इसके ऊपर एच लुकअप लगा दिया है यहां से, और मैंने कहा अगर जनवरी आए तो जनवरी का डेटा उठा ले, फरवरी आए फरवरी का उठा ले, मार्च आए मार्च का उठा ले, अप्रैल अप्रैल का, तो इस तरह से डेटा उठा रहा है। ठीक है जी, ये डेटा एच लुकअप से उठ के आ गया। ठीक है सर, ये समझ गए। यस, तो ये जब मेरे पास पूरा डेटा आ गया, मान लीजिए यहां पे ज्यादा होता 1 दिसंबर 9 तक आ रहा है, तो पूरा डेटा जनरेट हो गया। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला था कि ई डेट तब तक चलेगा जब तक इसके इससे छोटा है या बराबर। ठीक है जी, तो पूरा डेटा आ गया अपने पास, और एच लुकअप ने अपना पूरा डेटा उठा लिया, और जब एच लुकअप ने पूरा डेटा उठा लिया तो यहाँ पे पूरा चार्ट आ गया। ये सिंपल सा एक कॉलम चार्ट लगा हुआ है जिसके अंदर मैंने उसको ले रखा, और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है जी? ये यहां चार्ट तक क्लियर हो गया ना आपको? सही। अब ये देखिए, ये मैंने इसको कहां फिल्टर कर दिया कि ये भी फिल्टर्ड में कैसे दिखा रहा है। ठीक है जी, 100% ये मैं कहां से क्राइटेरिया लेके आया। अब देखिए, टोटल सेल तो हमें पता है कितनी है। ठीक है जी, यहाँ फिल्टर आ रही है, मैंने टोटल सेल यहीं से देख ली, ये कितनी है टोटल, ये सारी देख ली, और डिवाइड करने के लिए, क्योंकि परसेंटेज में रिजल्ट चाहिए, तो डिवाइड करने के लिए मेरा क्या है, जो ये वाला डेटा है इसका टोटल उठा लिया, तो उसके टोटल में से इसका टोटल माइनस कर दिया, और वही वो रेड येलो ग्रीन और पॉइंटर के लिए, और ये जो है पॉइंटर वाला डेटा, ऊपर जो वैल्यू का जो डेटा होता है ना वो हमें देना होता है खाली। तो देखिए, टोटल सेल आ रही है इसमें और फिल्टर वाली सेल आ रही है। इसको मैंने किससे किया है? हाँ, इसमें मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई 100 से कर दिया और इंट में डाल दिया। इंट ने क्या कर दिया, राउंड कर दिया खाली पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है जी, जब परसेंटेज निकालेंगे तो वो 100 के अंदर ही होगी इसके अंदर, है ना, क्योंकि फिल्टर डेट इसके अंदर ही होगी, तो 100 के अंदर ही होगी परसेंटेज। तो हमें ये जो वैल्यू चाहिए थी वो 100 के अंदर वाली ही चाहिए, और नीचे वाली में आपको पता है कि वो 200 में से माइनस करके ऊपर वाला और नीचे वाला, बस नीचे वाली वैल्यू वो है। तो कुल मिला के जब ये डेटा फिल्टर होता है, जैसे ये होता है, तो जैसे वैल्यू 100 आ रही है अभी, ऑल पे 100 आ रही है क्योंकि पूरी पूरी मिल रही है। अब जैसे फिल्टर होगा यहाँ पे वैल्यू कम मिलेगी, 27%। ठीक है जी, अब यहाँ वैल्यू था, यहाँ परसेंटेज है। ये परसेंटेज भी मैंने कहाँ यूज की है, ये इसके में यूज की है। ये जो है ना, ये जो पीछे लेबल दिख रहा है, ये लेबल क्या होता है, मैंने आपको शायद याद हो तो बताया होगा कि कोई भी ये आप शेप लेंगे और यहाँ पे फार्मूला में क्लिक करेंगे, इक्वल टू करके उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये वहां का रिजल्ट दिखाने लग जाएगा। यही थोड़ा सा कलर वलर चेंज करके, उसके ग्राफिक्स चेंज करके मैंने वैसा दिखा रखा है। ठीक है, तो जितना ये चेंज होगा ये अपने आप दिखाएगा आपको। ठीक है जी, तो ये परसेंटेज जो है आपकी, ये जो वैल्यू है ये यहां रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है जी, बाकी इनको ना थोड़ा सा मैंने ग्रेडियंट कलर ले लिया है, जो इनका फिल है ना वो ग्रेडियंट ले लिया, और बाकी ये जो इफेक्ट क्या बनाया है मैंने, ये जो इसका गोले से पे रख दिया है, तो वो नॉर्मल सी एक शेप है, राउंड शेप ले, ओवल शेप वाली मैंने ले ली, ये ओवल शेप ये कर दिया। इसके बाद मैंने इसमें से यहाँ से ये ब्लैक का कर दिया ताकि वाइट स्प्रेडिंग मुझे मिल जाए। फिर मैंने शेप आउटलाइन में लाइन का जो है वेट बढ़ा दिया, यहाँ से वेट मैंने लाइन का कर दिया मान लीजिए 20 कर दिया, ये कम कर देते हैं, ज्यादा हो गया 10 कर देते हैं, 10 कर दिया। अब इसको क्रोम जैसा इफेक्ट देना था
मैं क्या किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट शेप, लाइन कलर में ग्रेडियंट लाइन दे दी। ग्रेडियंट लाइन में यहाँ क्रोम का कलर है, क्रोम जैसा आ गया। ठीक है जी, इसमें से रेडियल ले लूंगा तो रेडियल आ जाएगा, क्रोम जैसा कलर। दूसरा, लाइन स्टाइल में मैंने ये जो टाइप है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस तरह का ले लिया, ये क्रोम जैसा दिखने लग गया। ठीक है जी, सेम यही किया। फिर उसके बाद मैंने ये जो व्हाइट व्हाइट से दिख रहे हैं, कोई सा एक लाइन पकड़ी, ये जो कर्वी लाइन होती है शेप में से, ये वाली तीसरी लाइन कर्व वाली। इसमें क्या है कि आप क्लिक क्लिक करके ना कोई भी मिला देते हैं तो ये शेप बन जाती है। ठीक है जी, इसको एक शेप बना दिया, इसको मैंने यहाँ से खाली लाइन में ब्लैक और व्हाइट उसमें ले लिया। फिर यहाँ से मैं गया, इसको जैसे मान लीजिए यहाँ कर देता हूँ, इसमें से सॉफ्ट एजिज है, इसको थोड़ा थोड़ा खत्म सा करता गया, ब्लर में करता गया, चला गया। तो इस तरह से आ गया, इनको यहाँ पे डाल दिया, इन वाइट पॉइंट्स को थोड़ा सा वो लगने लगी, ये चमकदार सी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके, अगर नहीं आ रही पूरी तरह से तो बड़ा करके थोड़ा सा वो कर दीजिए, जैसे ये आ गई, ये हल्की आ गई, ये हल्की आ गई। ऐसे मैंने स्पॉट्स मार दिए इस पर। ठीक है, इसी तरह से मैंने ये बेवल एम्बॉस करके ये भी बनाया हुआ है, ये जो स्टिकर जैसा लग रहा है। मतलब ये ग्राफिक्स अगर आपको थोड़े बहुत आते हैं ना, जैसे मैंने तो फोटोशॉप कोरल ड्रॉ में भी काम किया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा ग्राफिक्स में वैसे भी बना लेता हूँ। ठीक है जी, यही सब आपके वो है। फिर उसमें आपका वही नॉर्मल चार्ट है, उसमें कलर जो है येलो की जगह मैंने ये ग्रेडियंट टाइप का ले लिया है, येलो वाइट ग्रेडियंट, रेड वाइट ग्रेडियंट, ग्रीन वाइट ग्रेडियंट, इस तरह से। ठीक है जी, तो ये बना हुआ है पूरा, पीछे आपके खाली शेप्स हैं ले रखी हैं, जैसे इसमें से ये वाली शेप ले ली, इसको करके। कलर पहले से ही इतने दिए हुए हैं कि अलग से मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी दे दो इसमें। मुझे वैसे सबसे ज्यादा जो कलर पसंद होता है वो इस टाइप के होते हैं, ब्राइट थोड़े से। मैं जैसे कई बार कलर सेटिंग ही करता रहता हूँ। ये मुझे ज्यादा पसंद है। वैसे चूज तो कोई भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये अपने आप दे के बना लें, जैसा मर्जी वैसा दिखा सकते हैं। ठीक है सर, अब क्लियर है ये पूरा। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, ट्राई कीजिए और बनाने की करने की इंशाल्लाह ट्राई करेंगे 100%।